उड़ीसा के भद्रक जिले में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है, जहां भद्रक जिले में भद्रकाली में एक वरयात्रा की हत्या कर दी गई। सूचना के अनुसार आज सुबह गांव के ही आदमी पड़िए की तरफ गए हुए थे तो उन्हें एक नाले में शव तैरता हुआ नजर आया। इस बात को लेकर तुरंत पुलिस को इत्तला किया गया और मौके पर पुलिस पहुंची, जिसने केस दर्ज कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। आपको बता दें कि पुलिस के आने के बाद पूरी खबर मिलने के अनुसार जासपुर जिले का एक व्यक्ति भद्रक जिले में आया हुआ था, जो कि गायब भी था, जिसको रात्रि से गायब होने के बाद अगले दिन नाले में तैरते हुए उसकी लाश देखी गई। भद्रकाली के पास उसकी लाश मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर हत्या करने के पीछे छानबीन करने लगी है। अभी तक हत्या करने वाले व्यक्ति या कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शेख जैनुल आब्दीन की रिपोर्ट, भद्रक, उड़ीसा। खबर उड़ीसा के कोणार्क से, जहां करीब 2,00,000 से ज्यादा लोगों ने चंद्रभाग माघ मेले के पवित्र पुष्प कड़ी में डुबकी लगाई। पवित्र माघ सप्तमी मेले में महास्नान करने के लिए चंद्रभागा स्थित पवित्र पुष्पकर्मी राज्य और बाहरी राज्य से आए हुए श्रद्धालुओं ने महास्नान करके डुबकी लगाई। सुबह 4 बजे सूरज महाप्रभु को दीपदान किया गया और पुराण शास्त्र के हिसाब से कृष्ण जी के बेटा सांब अभी सांप के कारण कोट की बीमारी से उपासना पाने हेतु इसी दिन सूर्य देव की आराधना की गई थी। बल्कि श्रद्धालुओं का मानना है कि पहले से त्रिवेणीश्वर, इसनेश्वर और दक्षिणेश्वर कोणार्क से रोशनी से निकलकर माघ मेला मंडप के पास पहुंचे थे। बाद में पूजक ने सूर्य आरती करके तीनों देवताओं को स्नान कराने के बाद भक्तों को महास्नान करने की अनुमति दी। इस साल वरुड़ी स्नान होने की वजह से प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 28 प्लाटून पुलिस फोर्स और 150 से ज्यादा आला अधिकारी मौके पर ही मौजूद रहे। जिला SP परिस्थिति का जायजा ले रहे थे। सुबह 6:45 पर यह स्नान की गई और सूर्य देव के दर्शन हेतु लोगों ने उनको अर्घ दिया। आध्यात्मिक परिवेश के चलते यहां पर काफी सराहना हुई और पूरी व्यवस्था चौबन थी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अब्दुल वहाब खान की रिपोर्ट, कोणार्क, उड़ीसा। एक खास खबर उड़ीसा के जगत सिंहपुर से, जहां IOCL और HPCL की तरफ से ईंधन बचाने को लेकर एक सचेतनता पदयात्रा रैली निकाली गई। आपको बता दें कि ईंधन को बचाने और उसके हेतु सभी को जागरूक करने हेतु IOCL और HPCL के मिलित तत्वाधान में इस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ईंधन को बचाने की मुहिम सबके सामने रखी गई। इस अवसर में HPCL की तरफ से श्याम मनोहर गुप्ता और इंडियन ऑयल की तरफ से S शेखर, GK साहू ने, विजय दास ने प्रमुख रूप से सम्मानित अतिथि के रूप में अपनी भागीदारी दी। इसके समेत ईंधन बचाने के लिए जनसाधारण सभी से निवेदन किया गया कि ईंधन को बचाने हेतु सभी आगे आएं और नए नए प्रयोगों के द्वारा ईंधन को बचाने में अपना योगदान दें। इस मौके पर एक सचेतनता पदयात्रा रैली निकाली गई, जिसमें स्थानीय SK एकेडमी के बच्चे और शिक्षकों ने भाग लिया। इसमें बहुत सारे विद्यालय की छात्राओं और पेट्रोलियम के काफी सारे कर्मचारियों का भी योगदान रहा। इस मौके पर IOCL और HPCL के सभी पदाधिकारीगण और अधिकारीगण भी मौजूद रहे। सभी का कहना था कि ईंधन बचाने हेतु पुरजोर कोशिश करनी चाहिए और एक कैटलॉग के अनुसार ईंधन बचाने के सारे बिंदुवत सभी को जानकारी होनी चाहिए। सभी ने पूरे क्षेत्र में जन जागरूक रैली के माध्यम से सभी को ईंधन बचाने की सलाह दी और साथ ही साथ ईंधन कैसे बचाया जाए इस बारे में भी सभी को अवगत कराया। आपका नाम क्या है? क्या है आपका जो आज रैली कर रहे? छोटे बच्चों से इसको जानकारी देने के लिए कि कितना हमारा ईंधन जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना हम लोग, इसलिए ये अवेयरनेस लाने के लिए प्रोग्राम है। तो अवेयरनेस में क्या आप बोल रहे, क्या होगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा? अवेयरनेस में यही बोलेंगे कि आप लोगों को अपना वाहनों को यूज करना थोड़ा कम यूज करिए, आप अपने जो निजी वाहनों हैं कार वगैरह और बाइक वगैरह थोड़ा कम यूज करिए और बस में जाइए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मिलन जेना की रिपोर्ट, जगत सिंहपुर, उड़ीसा। उड़ीसा के पाटनगढ़ की घटना, जहां पाटनगढ़ सब डिवीजन ने बेलपाड़ा ब्लॉक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के गैर कानूनी चिकित्सा घटना में स्वास्थ्य विभाग के 2 सचिवों का तदंतरण किया गया। बलांगीर जिला बेलपाड़ा ब्लॉक सरकारी अस्पताल में 2 डॉक्टर प्रीतम सुना और मलय तांदे अस्पताल के आउटडोर में गैर कानूनी चिकित्सा के बारे में पहले से अनेक संवाद पत्र में खबरें निकल चुकी थी। इसके सिलसिले के चलते उड़ीसा स्वास्थ्य विभाग के 2 प्रमुख सचिव मानस रंजन सामंतराय और BC केसन देहुरी ने 2 बजे बेलपाड़ा अस्पताल में पहुंचकर तदंत निरीक्षण किया। बेलपाड़ा अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेहरा के साथ आलोचना की और नुनाहड़ गांव के सरिता मेहरा नामक एक मरीज के पास जाकर पूछताछ भी की। तदंत में 2 डॉक्टर के खिलाफ जो भी आरोप लगे थे सही साबित होते नजर आए और 2 संबंधित के ऊपर 2 डॉक्टरों ने जो भी आरोप लगाया था उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाए। बेलपड़ा अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रविन्द्र मेहरा का कहना था कि उनका अस्पताल 2 डॉक्टरों के बारे में भी जो भी आरोप लगाए गए हैं उसी के बारे में तदंत के लिए आज 2 सचिव यहां आ रहे हैं, ऐसा बोलकर CDMO बलांगीर ने उन्हें बताया था। 2 बजे सचिव लोग जब वहां पहुंचे
तो डॉक्यूमेंट उनको मंगा कर दे दिया गया। प्रमुख सचिव मानस महंती को पूछने पर कैमरा सामने कुछ कहने के लिए इनकार कर दिया। इस घटना अक्टूबर 29 तारीख में हुई थी। बेलपड़ा के दो डॉक्टर प्रीतम सुना और मलहतान दी अस्पताल में गैर कानूनी तरीके से चिकित्सा करने के आरोप में संलिप्त थे। तदंत का रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, फिर कार्यानुष्ठान पता चलेगा। जो डॉक्टर रविंद्र मेहर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज सीएससी बेलपड़ा आज आपन को डॉक्टर करना के विजिट आइसले ओ काना सुनथा सर मु जहां जानले आज मोर गुटे ट्रेनिंग थिला बलांगीर रे मते सीडीएमओ और एसडीएमओ को निर्देश रे कहले ने तुम से ना से जो आगरो इलेक्शन हेतला गो मोम गवर्नमेंट स्पेशल सेक्रेटरी आपन संग के जाउछन इंक्वायरी लागि बोले मु सीडीएमओ नु परमिशन आनि कि सर आज सकाळु एठे अछि सर मैंने दुटारे आसिले साथी मुझे अच्छी सर जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट मांगे जहाँ जहाँ मांगे मुझे सब दे सर आपने जो एलिगेशन गुड़ा आई आप डॉक्टर को पचरला आप कण कर एलिगेशन बाबद एलिगेशन बोले सर से जो 17 तारीख घटना रहा ना सर आज घटना सर ठीक टाइम सुना रात 10 ड्यूटी थी आउ डॉक्टर टांडी थे टांडी को कहकर चिकित्सा दिहला आउ से क्या कहते पैसा लेकर हस्पिटाल औषध दिखे बोलते इनक्वारी आसते एसडीएमओ आसते आउ सब कलेक्टर आसते साथी मुँह भी जाइली सर सेमती से ऑक्सीजन गवर्नमेंट कहते कि गोटे निमोलाइजर बाहर था सर औषध फसद कि किसी से समय देखी नी सर। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राजेश कुमार चांद की रिपोर्ट, पाटनगढ़ उड़ीसा। उड़ीसा के संबलपुर में भी हाथियों का आतंक जारी है, जहां संबलपुर जिले के जुजमरा ब्लॉक कुगड़ापाली पंचायत कुसुनपुरी में हाथियों के द्वारा काफी गंभीर क्षति करी गई। आपको बता दें कि पिछले कल विलंबित रात्रि में कुसुनपुरी गांव में दो हाथियों के आ जाने से पूरा आतंक फैल गया। गांव में कुछ लोगों के घर तोड़ने के साथ साथ घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर रखे धान की भट्टी को उठाकर लेकर चले गए और उसे पूरा तहस नहस कर दिया। ऐसे गांव में रहकर स्कूल की दीवार भी तोड़ने का मामला हाथियों के द्वारा सामने आया। हाथियों के द्वारा आतंक के बाद पूरा ग्रामवासी काफी परेशान है और वन विभाग से बार बार शिकायत कर रहे हैं कि इसके लिए तुरंत कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि साथ ही साथ ग्रामीणों की फसलों को भी हाथियों ने नष्ट कर दिया है। हाथी गांव के चारों ओर व्यापक मात्रा में फैले हुए हैं और सारी चीजों को क्षतिग्रस्त करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वन विभाग को लिखित में भी पत्र दिया जा चुका है, परंतु वन विभाग की तरफ से अभी इन हाथियों पर कोई भी नियंत्रण होता नहीं दिख रहा है। देखना ये होगा कि इन हाथियों के द्वारा गरीबों की फसल की और गरीबों के घरों में जो क्षति हुई है इसकी भरपाई और इसका जिम्मेदार कौन होता है। हाथी हाथी आउ राति बहुत उपद्रव कौन घर भांगी कर धान मान चार पकेट नहीं जाइन दूसरा घर कौन गाँव स्कूल बाउंड्री भांगी दीजन आउ गोटे जनकर गाँ गाँ मुड़े सेने लोग मैंने रोते पूरा हाथी घर के ढुकला तुम्हारा जीवन छाड़ी पलाले आउ से भात भूता जहाँ थी से सब खाईदे आ से घर पूरा धसके दे गाँ मुड़ा आम निजर घर आज पूरा ये भांगी दीजन तीन चार पकेट धान नहीं गले आ घर पूरा भांगी दीजन पहले प्रशासन आरो किसी मिलने सहाय आम कि। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नंदिनी प्रधान की रिपोर्ट, संबलपुर उड़ीसा। उड़ीसा के जगत सिंहपुर से खबर, जहां माघ सप्तमी के अवसर पर तारा देवी का जन्म दिवस काफी धूमधाम से आयोजित किया गया। जगत सिंहपुर जिले के कलेचक निकटस्थ माघ सप्तमी अवसर में करुणामयी मां तारा देवी का जन्मोत्सव महासमारोह का पालन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित हुए। जगत सिंहपुर स्थित कलेचक में बहुबरस धई मां तारा देवी का माघ सप्तमी दिनों का जन्म दिवस काफी धूमधाम से और काफी भव्य तरीके से आयोजित हुआ। इस दिवस में हजारों की संख्या में भक्तों का समागम किया गया। इसमें तारा देवी के पहले से भी कुछ पूजा अर्चना की जा रही थी, परंतु इस साल काफी धूमधाम से इसे मनाया गया। इसमें माड़ा पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें दर्शकों ने लुत्फ उठाया। लेकिन माड़ा अलौकिक शक्ति श्रद्धालु भक्त को अपार करुणा से आज मां के दरबार में हजारों भक्तियों ने अपनी अर्जी लगाई। मां तारा दोई की यहां पर काफी मान्यता है और भक्तगण इसे हर साल की भांति इस साल भी काफी धूमधाम से मनाते हुए नजर आए। होम यज्ञ संकीर्तन करके भक्तों ने महासमारोह में अपना अपना योगदान दिया और तकरीबन 5,000 से ज्यादा भक्तगण इस जन्म दिवस के शुभ उपलक्ष्य में शामिल हुए। सभी भक्तों ने प्रसाद लेने के बाद अपनी अपनी अर्जी लगाते हुए कुछ न कुछ दान भेंट भी किया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मिलन जेना की रिपोर्ट, जगत सिंहपुर उड़ीसा। उड़ीसा के बौद्ध जिले में रक्तदान महादान संकल्प को अनुष्ठित किया गया। बौद्ध जिले के पुलिस की तरफ से रिजर्व बटालियन में एक रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर को जिलापाल ललाटेंदु मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में योगदान देकर उद्घाटित किया। सम्मानित अतिथि के रूप में जिला आरक्षी अधीक्षक रघुनाथ राव, SDPO सॉलिस्टन टिग्गा, RI राजीव लोचन सेठ, सूबेदार महेंद्र भोई प्रमुख योगदान दिया गया। इस रक्तदान शिविर को कांस्टेबल संघ के सभापति बुलू मिश्र, संपादक सुशील महापात्र,
धबलेश्वर मिश्र, विभूति बिस्वाल, कुमार मणि नायक आदि ने परिचालित किया और अन्य सदस्य भी अपना सहयोग दे रहे थे। रक्तदान एक महादान है, इसे सभी को करना चाहिए और इसको करने से कोई भी कमजोरी नहीं आती है, ऐसा उनका कहना था, जिससे जिला पुलिस की तरफ से इस रक्तदान शिविर की मुहिम अनुष्ठित की गई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रविंद्र पटनायक की रिपोर्ट, बौद्ध, उड़ीसा। खबर जहां तीन दिन बैंक बंद का असर, 8 दफा सर्व भारतीय बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से बैंक कर्मचारियों को 2 दिन का धर्मघट किया गया था। 31, 1 और 2 तारीख को रविवार बैंक बंद के चलते इस बैंक के खाताधारियों को बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा है और बैंक के कर्मचारियों की मांग थी कि 2017 से वेजेज सेटलमेंट, पेंशन अपडेट, फैमिली पेंशन अपडेट, हफ्ते में 5 दिन का बैंकिंग और सही काम करने हेतु सही से पेमेंट देने की बात कही थी। ऐसी 8 दफाओं को लेकर बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन सर्व भारतीय स्तर में बैंक का धर्मघट हुआ, परंतु अभी तक धर्मघट के बाद कोई भी कार्रवाई या कोई भी अधिसूचना इस विषय पर जारी नहीं की गई है। सुरेश कुमार दास, ईएफपीओ राउरकेला चैप्टर में पार्टनर। आमर आम आज आल जो धर्म अटे बदलीचे आम मूल दाबी है आम यूएस सेटलमेंट जो अच्छी नवेम्बर 2017 या मध्य 40 मीटिंग सरी जाइए 40 मीटिंग सर भी आम जहाँ अच्छी डिमांड फुलफिल हो पारना फाइव डेज बैंकिंग अच्छी डिफाइंड वर्किंग अफर अफिसर्स अच्छी मर्जर का स्पेशल अलाउंस अच्छी विभिन्न टाइप्र दाबी अच्छी कि मूल दाबी है वेस्ट सेटलमेंट। यापर जब आज आलि भितर आम जो स्ट्राइक किसी नाला पुणी 11, 12, 13 मार्च पुणी आम स्ट्राइक धर्मघट करूँ तापर जी न किसी हम 1 अप्रैल आम अनिर्दिष्ट काल बंद धर्मघट। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुधीर दास की रिपोर्ट, राउरकेला, उड़ीसा।